काशीपुर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर एनएसयूआई की कुमाऊं मंडल की बैठक हुई। बैठक में संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। एनएसयूआई की कुमाऊं मंडल की बैठक में आगामी निकाय चुनाव के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की गई। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया गया कि एनएसयूआई के बैनर तले कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है और जनहित के किसी भी मुद्दे पर सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की मजबूत रीढ़ है। छात्र राजनीति से ही युवा इस संगठन से जुड़ते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान लगा देते हैं। कांग्रेस पार्टी की पहली सीडी एनएसयूआई जो कॉलेज से शुरू होती है और उसमें क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है युवाओं की, तो उनको संदेश देना चाहते हैं, एक तो एकता का और मजबूती का, क्योंकि पहली सीढ़ी है, पढ़ाई के साथ राजनीति भी आप करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, तो यही संदेश हम देने का बात प्रयास करेंगे। भैया, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा एक पूरे उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है कुमाऊं स्तरीय, उसके अंदर हमारे पूरे कुमाऊं के जितने भी विश्वविद्यालय में जीते हुए प्रत्याशी हैं वो सब लोग भाग लेंगे। हमारे पूरे कुमाऊं मंडल के जितने भी नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबके सब उपस्थित रहेंगे और पूरी की पूरी एनएसयूआई की कार्यकारिणी यहाँ मौजूद रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।